गोवा का प्लान हम सब ने कभी ना कभी तो बनाया ही होगा। ये प्लान की काउंट तो मुझे याद नहीं, पर हमारा इस बार का प्लान जरूर पूरा हुआ। सो वेलकम फ्रॉम गोवा, इंडियाज मोस्ट पॉपुलर ट्रैवल डेस्टिनेशन, विच इज नोन फॉर इट्स प्रिस्टीन बीचेस, डिलिशियस फूड, नाइट लाइफ, शॉपिंग एंड रिलैक्सेशन। तो चलो गोवा घूमकर आते हैं। हमारे इस सफर की शुरुआत हुई ट्रेन जर्नी से। थाने टू थिवम का सफर काफी लंबा था। इट वॉज अप्रोक्सीमेटली 9 आवर सीटिंग ट्रेन। दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग टू गोवा बाय ट्रेन एंड आई मस्ट से अपार्ट फ्रॉम द लॉन्ग आवर्स द जर्नी इज ब्यूटिफुल विद सीनिक माउंटेन्स, रिवर्स एंड ब्लू स्काइज। थिवम इज अ स्टॉप वेयर वी हैड टू गेट डाउन जो नॉर्थ गोवा में आता है। And welcome to my channel and welcome from Goa. I am in Goa for 3 days and I have a whole bunch of things that I have planned. And I'm super excited to share this video with you guys so that you can also follow this video if you're coming to Goa and come to these places. So currently it's Thursday. हम आए थे by train. So train का journey काफ़ी लंबा था, but it was a sitting AC train, तो ठीक है निकल गया। बट देन वहाँ से फिर हमने रेंट किया कार एंड नाउ वी स्टेइंग एट दिस प्लेस। दिस इज़ नियर अंजुना बीच एंड काफ़ी नया रिसोर्ट है। द रूम इज़ नॉट दैट गुड बट इट्स ओके, इट्स अ डिसेंट रूम। तो अभी टाइम हुआ है लंच का एंड हम जा रहे हैं ऑन दिस प्लेस कॉल एज वेव्स विच इज़ इन अंजुना इट्सेल्फ। सो लेट्स गो, आई विल टेक यू देयर फर्स्ट। It is around 5:15 currently and हमने यहाँ पे वेव्स में खाना खाया। This is nearby our stay which is also like walking distance from where we are staying. So हमने सोचा पास में ही खा लेते हैं। Now our plan is to go to Aguada, right? To Aguada Fort and see the sunset from there because that place is known for its sunset. मेरा यहाँ पे जाना second time है, मैं पहले वहाँ पे गई हूँ but this is after so long that I'm going again to that place and I'll catch you up when we reach. That occurred with us. हमारा जो टायर है वो फ्लैट हो चुका है एंड द पंचर वाला फ्रॉम हियर इज़ लाइक वेरी फार एंड चार्जिंग टू मच टू कम एंड फिक्स द टायर ओवर हियर। बट ये होता है व्हेन यू ट्रैवल, दीज आर द हर्डल्स दैट अकर व्हाइल यू ट्रैवलिंग, बट इसका कुछ कर तो नहीं सकते हैं। वी आर वेटिंग फॉर नाउ फॉर द पंचर वाला टू कम सो दैट ही कैन फिक्स आवर टायर एंड वी कैन मूव ऑन। बट आई डोंट थिंक सनसेट तो देखने को मिलेगा बिकॉज इट्स टू लेट। इट्स ऑलमोस्ट 6:15 करेंटली, थोड़ा सा रात होने को आया है। फिर फ्रॉम अंजुना टू अगुआडा इज़ अराउंड लाइक 45 मिनट्स, सो आई डोंट थिंक दैट वुड बी पॉसिबल। सो करंटली अब वेटिंग फॉर द टायर टू बी फिक्स्ड एंड होपफुली इट गेट्स फिक्स्ड रियली सून बिकॉज बहुत पकड़ ऐसे खड़े हो गए। अराउंड 7:20 करेंटली एंड हमने टायर का पंचर ठीक करवा दिया है एंड वी आर मूविंग फॉरवर्ड। तो अगुआडा तो जाना इज़ नॉट पॉसिबल करेंटली। वी वुड प्रॉबेबली गो टू हैव डिनर समवेयर, अभी हम लोग कैंडल एम एरिया में ही है
सो विल गो टू अ प्लेस टू हैव डिनर एंड टुडे एक बहुत स्पेशल थिंग हुआ, वी हिट 5000 सब्सक्राइबर्स, इट्स क्रेजी। आई थॉट थोड़ा दिन लगेगा होने तक, बट आज मॉम का मैसेज आया कि फाइनली 5000 हो गया है एंड आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्रेटफुल फॉर ईच वन ऑफ यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल और जस्ट कीप्स पुशिंग मी टू क्रिएट मोर एंड मोर कॉन्टेंट एवरी सिंगल डे, जैसे कि आज मैं कर रही हूँ। एंड आई होप कल का दिन और भी बेटर होगा सो दैट आई कैन शो यू मोर प्लेसेज हियर इन गोवा, बिकॉज गोवा में इतने सारे प्लेसेज है टू एक्सप्लोर टू सी दैट कम पड़ जाएगा कि थोड़ा दिन। सो एनीवेज अभी हम लोग जाएंगे डिनर के लिए एंड प्रॉब्ली शो यू द मार्केट एरिया एज वेल, तो वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत शॉपिंग भी कर सकते हैं। देयर इज इवन अ सुपर मार्केट फॉर एल्कोहल एज वेल, आई शो यू गाइज ऑल ऑफ द थिंग्स दैट वी डू एंड लेट्स गो ओवर देयर नाउ। हियर इन कैंडलेम एंड अंजुना से काफ़ी दूर है, इट्स लाइक अराउंड 30 मिनट्स ड्राइव, बट द रोड्स आर नॉट क्वाइट दैट वेल, यहाँ पे थोड़े छोटे रास्ते भी है, बट वी आर हियर द मार्केट एरिया। यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स है वेयर यू कैन बाय लाइक ड्रेसेस, यू कैन बाय स्विम वेयर, यू कैन बाय सन ग्लासेस, हैट्स, कैशूज, ऑल दोस थिंग्स एज वेल। करंटली आई एम इनसाइड अ स्टोर, यहाँ पे ऐसे ड्रेसेस मिल रहे हैं विच आर लाइक वेरी नाइस एक्चुअली एंड देर क्वाइट चीप एज वेल। बहुत सारे ड्रेसेज, ऐसे बहुत सारे शॉप्स है वेयर यू कैन शॉप ऑल्सो एंड देर pretty nice as well. I'll see if I find something for myself and even for my family, something like that. Everywhere you go there's a vibey cafe or restaurant that where you can dine. The street behind me, bahut sare aise places hai, there is live music also going on and there's good food, good music and a very nice ambience as well. It's dinner time right now and as you can see we are at a very vibey place here in Goa. This is called Tomatoes, which is near the beach. So this is Kandolim beach ke paas hi hai. I'm gonna go inside. I don't think I can talk inside because bahut loud music hai, but I'll definitely show you the food that we're having. Had our dinner at the place and Tomatoes and it was a good dinner. Khana wahan ka is very nice with live music going on as you can hear right now as well. So I'm ending the day one over here. Abhi hum thoda sa beach pe hai, we'll chill for some time and then head back to our room and then continue the rest of the day tomorrow and I'll see you tomorrow. ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे वेर यू कैन स्टैंड एंड टेक गुड फोटोज। दिस इज द मैकरल रेशा दो विच इज सपोज टू बी गोवाज वेरी पॉपुलर फिश डिश। दिस इज हाउ मच? 1500 रुपए।